ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पालमपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा को भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बधाई दी और कहा कि जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में पार्टी और ज्यादा विकास की दिशा में आगे बढ़ेगी और ऊंचाइयां छुएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए हर उचित कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा को भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बधाई दी और कहा कि जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में पार्टी और ज्यादा विकास की दिशा में आगे बढ़ेगी और ऊंचाइयों को छुएगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पालमपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए हर उचित कदम भी उठाए जा रहे हैं। पालमपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अभिभावकों का रुझान निजी स्कूलों की ओर बढ़ रहा है, जिसे ध्यान में रखकर ऐसे सर्वे करवाए गए हैं। सर्वे के आधार पर कुछ नए प्रयास भी किए जाएंगे और 3391 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की गई हैं। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं और करीब 48,000 छात्रों ने प्रवेश लिया है। इस साल 350 और स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करवाने की अनुमति भी दी गई है। इन कक्षाओं के लिए स्कूलों में तैनात शिक्षक अपना पूरा सहयोग भी दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में अटल आदर्श आवासीय स्कूल योजना के तहत गत वर्ष 10 और इस साल 15 स्कूलों की घोषणाएं की गई हैं। कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर में भी इसके लिए जगह को चयनित किया गया है। इन स्कूलों में संबंधित क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में योगा, चेस, संस्कृत व संगीत को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी और निजी स्कूलों को भी बोर्ड द्वारा छपाई गई एनसीईआरटी की किताबें लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल सभी संबंधित क्षेत्रों से राय लेने के बाद ही तय किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों के खेल कैलेंडर की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष हर स्कूल में 5,000 से लेकर 20,000 खेलों के लिए दिए थे और इस वर्ष भी दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत सुखद समाचार जो है वो मिला है। हमारे प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मंत्री रहे हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नामित किया है, जो एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। कभी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का बनना, जिसकी उन्हें हिंदुस्तान में जो है नए सिरे से द्वारा से सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। उन्होंने कुछ कारण गिनवाए कि क्यों एनरोलमेंट कम हो रही है और उन कारणों को दूर करते हुए हमने जो है कुछ निर्णय लिए, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय सरकारी स्कूलों में भी हमने प्री प्राइमरी क्लासेस प्रारंभ की, यानी नर्सरी क्लासेस शुरू की। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जिससे सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट की तरफ रुझान बढ़ रहा था। तो ऐसे जो है वो 3391 स्कूलों में पिछले वर्ष हमने सितंबर अक्टूबर में प्रारंभ किया है प्री प्राइमरी क्लासेस, और इस वर्ष हम को और ज़्यादा सेंक्शन हमने केंद्रीय सरकार के एचआरडी डिपार्टमेंट से ली है और इस बार 350 और एडिशन करके 3700 स्कूलों तक जो है वो हम प्री प्राइमरी क्लासेस प्रारंभ करने वाले हैं। और अपने ही हमारे टीचर्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर्स, उन्हीं को ट्रेनिंग दे करके उनके साथ मिलकर के जो है वो जहाँ जहाँ ये आंगनबाड़ी हैं, जहाँ हमारे प्री प्राइमरी क्लासेस हैं और वहाँ आंगनबाड़ी भी हैं, उनको हम नर्सरी की क्लास, क्योंकि आंगनबाड़ी में 2 साल में लेते हैं, नर्सरी क्लास में 4 साल में लेते हैं, तो उनके साथ को भी मिला करके जो है वो, और इस दिशा में जो पिछले वर्ष की हमारी एनरोलमेंट है वो लगभग 48,000 नए
छात्रों ने प्री प्राइमरी क्लासेस में एडमिशन ली है और बहुत सारे स्थानों पर जो है वो प्राइमरी स्कूलों की तरफ जो है वो जो बढ़ रहा था प्राइवेट स्कूलों की तरफ वो रुक रहा है और बहुत सारे स्थानों पर तो वापस जो है वो सरकारी स्कूलों में बच्चे आए हैं। इसके साथ साथ हमने एनरोलमेंट के साथ बहुत सारे नए और इनिशिएटिव लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष के बजट में एक घोषणा की है, सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के जो 68 कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनमें जहां नवोदय विद्यालय या एकलव्य विद्यालय हैं उन कंस्टिट्यूएंसीज को छोड़ करके सब कंस्टिट्यूएंसीज में एक एक अटल आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। 10 पिछली बार जो है घोषित किए थे, 15 इस बार घोषित किए हैं। उसकी गाइडलाइंस सारी बना दी गई हैं। बहुत सारे स्थानों पर जो पिछले वर्ष के 10 स्थान थे वो चिन्हित कर लिए हैं, लगभग हर जिले में एक दो स्कूल है। कांगड़ा में भी जयसिंहपुर में जो है वो जमीन जो है चिन्हित की गई है। उसका हम बिल्कुल नए सिरे से जो है वो नया कैडर बनाएंगे और उसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों को मेरिट के आधार पर जो है वो उन विद्यालयों में एडमिशन दी जाएगी।